बेशक बालासाज भी हसब मौका है, हमें खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिया बला निंदे सरदार चेहरे शोना बरो है बाबा। हाँ जी बात। हाँ मुरीद, तुम खामोश बैठे बस रस्सी बढ़ते रहते हो, क्या करोगे इतनी रस्सियों का? खुद को बांधता रहता हूं ताकि कभी तुमसे आजाद ना हो सकूं। कभी कभी तुम्हारी चुप मुझे खौफजदा कर देती है, लेकिन मुरीद तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरी हिम्मत बंधाता रहता है। जब रूह खुद अपना वजूद तराश ले कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। कहाँ? कहीं नहीं, बस तुम्हारे ख्यालों में, जहां जिंदा रहना आसान है, बहुत आसान। दौड़ जीत गया है। आपको मुगालता हुआ है, दोनों सवार बराबर आए हैं, किसी एक के बारे में फैसला गलत है। बजायर दोनों सवार बराबर दिखाई देते थे, लेकिन रेहान की घोड़ी आगे निकल रही थी। इसका अंदाजा तजर्बे ही से किया जा सकता है। तजर्बा? मैं भी तजर्बे ही से बात कर रहा हूँ, दोनों घोड़ियां बराबर थी। बहरहाल फैसला हम रेहान के हक में देते हैं। मीर बालाज, इनसे बहस करना बेकार है, इस वक्त ये दो हैं और तुम एक, आओ चलो। रेहान चाकर का अजीज है, ये इलाका भी उनका अपना है, इसलिए ये नाइंसाफी तो होना ही थी। खेलों में इस किस्म के फैसले बहुत खतरनाक नतीजे पैदा कर सकते हैं, और फिर वैसे भी अगर दौड़ वाजे ना हो तो मुनसिफीन को बहुत एहतियात से फैसला करना चाहिए। मुनसिफ तो मैं भी था, लेकिन मेरे फैसले को उन्होंने कितनी लापरवाही से रद्द किया। दरअसल वो गलत तरीके से अपनी धाक बिठाना चाहते। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कचरों के इलाके में? हाँ गालिबन,
कचरक भी उनकी बालादस्ती हासिल करने का एक निशान है। मीरबालाज, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। सरदार चाकर खान ने यह इलाका गौहर को जागीर के तौर पे दिया हुआ। शुतुर बच्चे मारे गए। कैसे? कौन लोग थे वो? रामायण और उसके साथी अचानक जानवरों पर टूट पड़े। आखिर मुझ बेवा से किसी को क्या दुश्मनी है? आखिर ये लोग मेरी बेकसी को तमाशा क्यों बना रहे हैं? शायद वो ये भूल गए कि हम सरदार चाकर के बावट हैं, उसकी पनाह में हैं। मैं सरदार चाकर के दरबार में इस जुर्म की फरियाद लेकर जाऊंगा। खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक बात भी ना निकले, इससे बड़ा फसाद फैल सकता है। और मैं ये नहीं चाहती कि कुछ शूद्र बच्चों की खातिर इंसानों में खून खराबा हो और बेगुनाह लोग मारे जाएं। मैं ये दुख तनहा उठा लूंगी। अफसोस, अफसोस, ये जालमाना हरकत बड़े दुख की बात है। तुम जाओ, जाकर अपना दवा दारू करो, लेकिन याद रहे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलने पाए। मैं जानती हूं लोचों की क्या रवायात है, खासकर बहुत के बारे में। मुरीद, मुरीद, कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी और ही दुनिया में रहते हो। वो कोई सी भी दुनिया हो, लेकिन है वो तुम्हारी दुनिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। खुदा जाने कैसी बातें करते हो, घर पे तुम बैठते नहीं, मैं चिलचिलाती धूप में घंटों तुम्हारे आने की राह देखती हूं, और तुम तो अपने खाने का भी ख्याल नहीं रखते। पता नहीं ये तुम औरतों को अपने चाहने वालों से ज्यादा उनके खाने पीने की फिक्र क्यों रहती है। इसलिए कि रिवाज ने हमें अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ यही एक जरिया दे रखा है। और मैंने तुम्हें अपने रूह पर भी इख्तियार दे रखा है, रूह जो वक्त की पहुंच से बाहर है। सरदार, यहाँ से कचरों का इलाका शुरू होता है। इस साल अच्छी बारिशों के बायस घास बहुत ज्यादा है, और यहाँ अमलदारी है हमारी बहुत गौहर की। इस पहाड़ी के उस पार गौर बीबी के खाने इधर से गुजर ही रहे हैं, तो क्यों ना उसकी खैरियत भी पूछते चले।
बहरा तुम्हारी ऊंचनियों के थनों से दर्द से बिलबिला रही है वो। कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए? तुम्हारे जानवरों की आंखें खौफ से फटी जा रही हैं। कहां सरदार, जानवर भी इंसानों की तरह मोहब्बत करते हैं और दुख सहते हैं। कुछ अरसे से यहां भी जहरीली घास हो गई है, उससे कुछ शूद्र बच्चों को नुकसान हुआ। चुप्पे चुप्पे से वाकिफ हूं मैं इस जमीन के, दिखाओ मुझे वो घास जिसने हमारी पनाह में आए हुए जानवरों और इंसानों को टक दिया है, दिखाओ मुझे। तुम क्यों कांप रहे हो? किस बात ने लर्जा तारी कर दिया है तुम पे? बताओ बताओ ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सब? कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए शूद्र बच्चे? सरदार, श्रावण और उसके साथियों ने शूद्र बच्चों को बेदर्दी से मार दिया। और बस अब कष्ट है मुझे। सरदार, हम सब तवील और दुश्वार सफर के साथी हैं। वक्त की शक्तियों के हांके में सबने एक दूसरे का दिल बांधा है। इस तरह कुछ शूद्र बच्चों की खातिर कतलों का दर खुल जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, दरगुजर से काम ले। मुझे जिंदगी और मौत दोनों ने मिलकर मारा है। खुदा के लिए ऐसी कोई कसम ना खाओ सरदार, ऐसी कोई कसम ना खाओ। ये वो इज्जत है जो मैंने तुम्हें दी, इसे इस तरह ना लौटाओ। इसका तकद्दस हमारे खून में रची बसी रिवायत है, और इस मौके पर खून बहाने से नाराफ अपने खून से नाराफ है। लिहाजा अब कसम है मुझे अपने इस मांग वाले सर की, जिस पर मैं सरदारी की पगड़ी बांधता हूं, कि इस जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा।